भी कई दफा चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहना पंजाब में सबसे ज्यादा अगर किसी की टेन्योर है कांग्रेस में तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की है। सर की लगता जो ऑनर उनको कांग्रेस ने दिया है मेरा ख्याल किसी और चीफ मिनिस्टर को ऑनर नहीं होगा। जो पंजाब के लोगों ने उनको मैंडेट दिया था उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो हम लोगों ने उनको उनके साथ सिंसेरिटी दिखाई वो कभी नहीं हो सकती। हाँ तब हुआ जब हमने देखा कि जो वादे किए हैं उन वादों के बहुत इलेक्शन नज़दीक है। कांग्रेस हाईकमांड को भी चिंतित हुई और हमें भी चिंता। कांग्रेस पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है जहाँ कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि पंजाबियों से ज़्यादा कोई नेशनलिस्ट नहीं है। टेररिज्म का टाइम हमने देखा, हमने देश के बंटवारे का टाइम देखा। इसलिए वो तो बात आप बंद ही कर दो कि क्या है पंजाब की जो नेशनलिटी है उसको वो क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकती कि पीसीसी प्रेसिडेंट बना हो तो उसके ऊपर ऐसे करने चाहिए या किसी और लीडर के ऊपर करने चाहिए। मैं हमेशा और आज भी मेरे बेशक 26 अप्रैल से कैप्टन साहब के अगेंस्ट डिफरेंसेस थे। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि मैंने कभी भी उनके अगेंस्ट कोई बात की है, उनकी शान के खिलाफ बात की है। आज भी मैं उनको अपने पिता समान समझता हूं और वो भी मेरे को कहते हैं कि तेरे पिताजी क्या कर गए थे कि अमरिंदर के साथ रहना है। जब तक अमरिंदर जी ने हमारा साथ चला आपने देखा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके बिल्कुल नज़दीक था। जब उन्होंने मेरे को हर्ट किया उसके बाद मैंने अपनी जमीर की आवाज़ पर ही खड़ा हो गया। जो बहुत थोड़ा टाइम है परसेप्शन बढ़नी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर की नीयत में खोट नहीं है। एक गांव का सरपंच बनाना हो तो हम एमएलए हैं हमें 20 दिन लग जाते हैं कि किसको डिसाइड करें। तो ये आज नहीं 2-3 घंटे में हो जाए। मैं आप एक कांग्रेसी के साथ बात कर रहे हैं। सीएम तभी रहता है अगर उसको साथ पार्टी हो, उसके साथ उसकी स्टेट के लोग हों, तो अदरवाइज सीएम का कोई मायना नहीं।